दिवाली का त्योहार है और ऐसे में पटाखे जलाने का क्रेज अपने आप में बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के चलते हर साल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल कुछ नियम निर्धारित करती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके शहर में आपको किन नियमों का ध्यान रखना है, वरना आप किसी मुसीबत में ना फंस जाए। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दिवाली पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने पटाखों पर कंप्लीट बैन लगा दिया है, तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए परमिशन दी गई है। कुछ राज्यों ने तो पटाखे जलाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में पटाखे जलाने को लेकर अलग अलग राज्यों में क्या नियम रखे गए हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रदेश में पटाखे जलाने को लेकर अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि NCR एरिया से अलग अन्य जिलों में दीपावली पर 2 घंटे रात 8 से लेकर 10 बजे तक के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में क्रिसमस और नववर्ष पर भी समय सीमा तय कर दी गई है, 11:55 से रात 12:30 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी गई है। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने वाले राज्य देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रित समिति ने दिल्ली में पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगा दी है। राजधानी दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर जेल भी हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और ₹200 जुर्माना हो सकता है। वहीं पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत ₹5,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। हरियाणा और उड़ीसा सरकार ने भी पटाखों पर रोक लगा रखी है। चंडीगढ़ UT प्रशासन लगातार दूसरे साल पटाखों पर रोक लगा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ने भी पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी SOP जारी करते हुए पटाखे ना जलाने की अपील की है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से पटाखे बैन हैं। लड़िया और सांप की टिकिया या गोलियां जिसे आप कहते हैं उस पर रोक लगी हुई है। आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मर्करी, बेरियम और एल्यूमिनियम वाले पटाखों पर भी रोक लगाई गई है। आपको बता देते हैं कि ग्रीन पटाखे जलाने के लिए ही क्यों कहा जा रहा है, सामान्य पटाखों से क्या नुकसान हो सकता है। सामान्य पटाखे जलाने पर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो इंसान के शरीर के लिए हानिकारक होती है। पटाखों से सबसे ज्यादा नुकसान उन बुजुर्ग लोगों को होता है जो एक तरफ बुढ़ापे की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीमारियों से घिरे रहते। गर्भवती महिलाओं के लिए तो पटाखे किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है। पटाखों के स्मोक से सांस फूलने, घबराहट, खांसी, हार्ट और फेफड़े संबंधित दिक्कतें, आंखों में संक्रमण, दमे का अटैक, गले में संक्रमण आदि के खतरे बढ़ जाते हैं। तो दिवाली मनाइए पर अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।